मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की आय बढ़ाने और सामाजिक कार्यों में उपयोग करने का मन बना है। वक्फ बोर्ड किराया नहीं देने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश जारी करने वाला है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर संदर पटेल ने बताया कि प्रदेश भर में 14,968 वक्फ एसेट्स पंजीकृत हैं, जिसमें कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह और स्कूल के रूप में कुल 33,417 वक्फ संपत्तियां हैं। आज दिनांक की स्थिति में किराए पर दी जाने वाली संपत्तियों में मकान 6,291, दुकानात 5,324, मुसाफिर खाना 62 और प्लाट 229 है। पूर्व से वक्फ बोर्ड में पंजीकृत वक्फ संपत्तियों पर बने मकान, दुकान, प्लाट की संख्या में बढ़ोतरी की पूरा यकीन है, जिसके भौतिक सत्यापन का कार्य बोर्ड द्वारा आरंभ कर दिया गया है। अध्यक्ष ने बताया कि कमेटी इंतजामिया औकाफ अम्मा वक्फ बोर्ड की एक विशेष वक्फ संस्था है, जिसके द्वारा केवल भोपाल जिले के लगभग 300 वक्फ संपत्तियों की प्रबंध व्यवस्था, किराएदारियों और ट्रांसफर आदि निष्पादित की जाती है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।